फिर आप और आपके बच्चे, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो कुल है, हमारी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ रही है ना, तो हम उनका क्या कर रहे हैं, वारिस आगे बढ़ा रहे, उत्तराधिकारी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, वारिस का मतलब। अभी आज हम वारिस कौन यह पाठ सीखने वाले हैं। ओके, चलो वारिस कौन परिचय, अभी इनका परिचय देखते हैं। पहले जन्म 1959 मधुबनी बिहार। परिचय बहुआयामी प्रतिभा की धनी विवरानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य का एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही हैं। इनकी प्रमुख कृतियां है चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनूजा के किस्से, कहानी संग्रह है अगले जन्म मुहे बिटिया न कीजो, नाट्य समरत कैन, द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद बिल टेलर की डायरी आदि। गद्य संबंधी, अभी प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। चलो बच्चों, आज हम वारिस कौन ये पाठ सीखने वाले हैं ना। वारिस कौन मतलब उत्तराधिकारी। अभी देखो, मैं पहले रीड करती हूँ लेसन, फिर उसका अर्थ देखेंगे। ओके, एक्सप्लेनेशन। अभी आप कहानियाँ सुनते हैं ना, वैसी एक कहानी है जो विभा रानी ने लिखी है हमारे लिए। ओके, एक राजा था, उसकी चार बेटियाँ थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपूंगा। इसका फैसला कैसे हो, वो ये सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद जब मैंने मांगूंगा तब तुम मुझे वापस कर देना। अभी देखो, जैसे हमारी हमें दादी मम्मी ये कहानी सुनाती है ना, वैसे एक कहानी है। अभी वो क्या बोल रहे हैं, एक राजा था, उसको चार बेटियाँ थी। अभी उसने सोचा जो सबसे बुद्धिमती होगी, चालाक होगी, होशियार होगी, उसे ही मैं अपनी राजगद्दी दूंगा। और इसका फैसला कैसे हो, मैं कैसे तय करूं, क्या करूं मैं इसके लिए, फिर वो सोचने लगा। और उसे अंत में एक उपाय, एक आइडिया आ गई, एक उपाय सोच गया। उसने क्या किया, उसने देखो क्या किया, अपने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया और सभी को 100-100 गेहूं के दाने दिए और कहा कि ये तुम अपने पास रखो, मैं उन्हें 5 साल बाद तुम्हें इनसे वापस कर देना है। अभी आगे रीड करती हूँ मैं। देखो, गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के दानों की याद रहेगी क्या। अभी उसने सोचा जो बड़ी बहन है और उसने सोचा कि बड़ी मतलब सोचने लगी, पिताजी को याद रहेगा कि उन्होंने हमें 100-100 दाने दिए थे गेहूं के, वैसे ही। और जो याद भी रहा तो क्या, मैं भंडार घर जो रहता है वहाँ से उनको लाकर दे दूंगी। अभी दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल की थैली में बंद करके सुरक्षा से अपने संदूकची में डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ने ये दाने मांगेंगे तब मैं उन्हें वापस कर दूंगी। अभी जो दूसरी बहन है ना, उसने क्या किया पता है, जो चांदी की एक डिब्बी थी उसमें एक मखमल की थैली थी, उसमें वो दानों को सहज कर उसमें डाल दिया और सोचा जब पिताजी मांगेंगे तब मैं उनको 5 साल बाद ये दाने दे दूंगी। अभी देखो बच्चों, आपने देखा ना, पहली बहन ने क्या किया, उसको खिड़की के बाहर फेंक दिया। अभी जो दूसरी बहन थी उसने चांदी की डब्बे में उसको रख दिया, मतलब अपनी सुरक्षा संदूकची में डाल दिया। अब जब पिताजी मांगेंगे तब वो उन्हें वापस करने वाली थी, है ना। अभी आगे क्या है, आगे जो तीसरी बहन थी ना, अभी वो क्या कर रही, देखो
जो तीसरी बहन है वो बस सोचती रही कि इसका क्या करूँ। जो चौथी और पांचवी जो छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारते करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। अभी देखो जो तीसरी बहन थी वो सोचने लगी, मैं इसका क्या करूँ क्या करूँ। और चौथी और जो पांचवी छोटी बहन थी तनिक, उसने क्या मतलब शरारते करना, मस्ती करना, घूमना फिरना ये उसे पसंद था। और उसने क्या किया, जो गेहूं के दाने थे ना उसको भुनवा कर खा गई। जो आप भुट्टा खाते हैं ना वैसे वो गेहूं के दानों को भुनवा कर खा डाला है ना। चलो आगे, अभी जो तीसरी बहन को इस बात का यकीन था, अभी दो तीसरी बहन थी वो क्या कर रही देखो, इस बात का यकीन था कि पिताजी ने ये जो इन्हें गेहूं के दाने दिए हैं ये यूं ही नहीं दिए हैं, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसे अपनी भी दूसरी बहनों की तरह उन्हें सहज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। दो तीन दिनों तक वह सोचती रही, फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों से उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया था। बच्चों अभी देखा ना आपने, पहली बहन ने क्या किया, मतलब सबसे बड़ी बहन थी उसने क्या किया, दूसरी क्या किया, तीसरी क्या सोचती रही थी। अभी देखो चौथी और पांचवी जो तनिक छोटी थी, अभी वो क्या कर रही है, उसने वो भुनवा कर खा डाले। लेकिन जो तीसरी बहन थी वो थी होशियार, इसे हमें पता चल रहा है ना। वैसे ही अभी उसने सोचा कि हमारे पास जो पिताजी ने गेहूं के दाने दिए हैं 100-100 ऐसे ही नहीं दिए होंगे, इसके पीछे कोई राज होगा, कोई तो मकसद होगा इसके, हमारे लिए हमारे पास ऐसे दाने नहीं दिए। वो भी सोचने लगी कि दूसरी बहनों की तरह मैं भी उनको सर्च कर रख देती, लेकिन वो ऐसा न कर सकी। उसने ऐसा नहीं किया, उसने दो तीन दिनों तक सोचा क्या करना चाहिए क्या नहीं। अपने कमरे के पीछे एक खिड़की थी, उसने वहाँ देखा कि वहाँ ज़मीन है, अगर मैं उन दानों को बो दिया तो उसको क्या होगा, धान आएगा है ना। अभी उसने क्या किया, वो दाने बो दिए। अभी समय आने पर उसे अंकुर फूटे, मतलब वो पौधे तैयार होने लगे और उसमें से दाने निकले, दाने मतलब गेहूँ निकलने लगे। अभी राजकुमारी ने वो तैयार फसल में से दाने निकाले। अब जो 100 दाने थे उसने क्या किए थे, वो दाने बो दिए थे। अभी 100 के कितने दाने निकले, 1000 है ना। अभी वो 1000 दाने उसने बो दिए। अभी इस तरह उसने 5 साल उसने ऐसे ही किया और उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। बच्चों आपने देखा ना कि गेहूं कैसे तैयार हो गया है ना, जो तीसरी बहन थी उसने क्या किया था है ना। चलो आगे देखते हैं। अभी 5 साल बाद राजा ने फिर उन चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने उन तुम चारों बहनों को जो गेहूं के दाने दिए थे और वो कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना, कहाँ है वे दाने। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर के गेहूं के दाने ले आई और राजा को दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। अभी देखो बच्चों, जो राजा है वो पूछने लगा अपनी चारों बेटियों से कि अभी मुझे बताओ, उनको बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हें 5 साल पहले कुछ गेहूं के दाने दिए थे 100-100, वो कहाँ है, तुम मुझे अभी वो वापस करो। अभी जो पहली बड़ी बेटी थी उसने क्या किया, वो भंडार घर गई और उसने वो दाने उनको लाकर दे दिए। अभी राजा पूछ रहा है, मतलब राजकुमारी के पिताजी उनसे पूछ रहे क्यों मैंने वो दाने दिए थे, ये वही दाने हैं, भाई बताओ मुझे। ओके